नमस्कार दोस्तों, आप सभी के कैसे चरण बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने इंस्टाग्राम के नॉर्मल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ। देखिए शो कर रहा, देखिए नीचे होम सर्च का आइकन है और प्लस का आइकन है और देखिए साइड में जो आइकन है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ ऊपर देखिए थ्री लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों फिर देखिए सबसे नीचे देखिए सेटिंग्स ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे है देखिए फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड, ये सभी देखिए इस तरह के ऑप्शन शो कर रहे हैं। और ये देखिए नीचे अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और नीचे देखिए ऑप्शन है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए ऊपर ऑप्शन शो करा क्रिएटर और नीचे बिजनेस। दोस्तों जो भी आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं चाहे बिजनेस या क्रिएटर जो भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं क्रिएटर वाला करना चाहता हूँ तो यहाँ नीचे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ और नीचे देखिए ऑप्शन है देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए सेलेक्ट एक कैटेगरी और नीचे देखिए सर्च कैटेगरी, यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन नीचे देखिए सजेशन में शो कर रहे हैं। दोस्तों जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं देखिए यहाँ डिजिटल क्रिएटर पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए रिव्यू योर कॉन्टैक्ट इन्फो और नीचे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया है, इसमें फिल हो गया है। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ऐसा पेज ओपन हो, देखिए प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन, देखिए डिस्प्ले कैटेगरी लेवल और देखिए डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, तो हम ये देखिए डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ नीचे देखिए डन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए नया पेज ओपन हुआ, देखिए कनेक्ट टू फेसबुक, अगर आप फेसबुक पेज भी इसमें कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे देखिए डोंट कनेक्ट टू फेसबुक नाउ, तो हम ये देखिए यहाँ नीचे क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फिर देखिए मेरा देखिए इंस्टाग्राम नॉर्मल अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों देखिए अभी तक यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो कर रहे थे, देखिए प्रमोशंस और देखिए कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट में क्लिक करके यहाँ पे कोई भी आपका नंबर और ईमेल एड्रेस देख सकता है। दोस्तों जैसे फिर आप उसको नॉर्मल अकाउंट में फिर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं और फिर देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं और फिर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। देखिए नीचे ऑप्शन है स्विच टू बिजनेस अकाउंट और देखिए स्विच टू पर्सनल अकाउंट, अगर आप इसको पर्सनल अकाउंट में फिर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए और फिर देखिए यहाँ देखिए स्विच बैक, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए फिर देखिए प्रोफेशनल अकाउंट, देखिए मेरा पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया, चलिए बैक आते हैं। दोस्तों देखिए अभी तक यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा था, देखिए प्रमोशन और कॉन्टैक्ट ये सभी शो कर रहा था, देखिए अब फिर शो नहीं कर रहा है। दोस्तों इसी तरह आप अपने नॉर्मल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।